हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी मैं चिकन फजीटा पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि मैंने बनाया है फ़िलिप्स ओटीजी ओवन में। और ये बहुत ही अमेजिंग एंड टेस्टी पिज़्ज़ा है। इट्स बेटर देन डोमिनोज एंड अदर ब्रांडेड पिज़्ज़ास। सो आप लोग घर पे बना सकते हैं। मैंने दो टाइप के पिज़्ज़ा बनाए हैं, एक दो लार्ज पिज़्ज़ा बनाए हैं और एक वोल्केनो पिज़्ज़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लेना है ड्राई ईस्ट। तो ये आप एक्टिव ड्राई ईस्ट या इंस्टेंट ड्राई ईस्ट ले सकते हैं। यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर ऐड करना है और बिल्कुल गुनगुना पानी, और इसमें चीनी ऐड कर दीजिए 1 टेबल स्पून। मिक्स कर दीजिए, देन ऐड ईस्ट। तो ईस्ट ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपका पिज़्ज़ा सॉफ्ट एंड अच्छा टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ईस्ट ऐड किया और थोड़ा सा और, यानी कि 1.5 टीस्पून, और इसे रख देना है ढककर फॉर 10 to 15 मिनट्स, जब तक ये राइज ना हो जाए। तो आफ्टर 10 to 15 मिनट्स ये देखिए इसमें बबल्स आ गए हैं, तो ये रेडी हो गया, एक्टिवेट हो गया है ईस्ट। यहाँ लेना आपको ऑल पर्पज़ फ्लावर मैदा। यहाँ पे मैंने 3-4 कप लिया है, आप अपने डो के हिसाब से मैदा ईस्ट जो भी है ले सकते हैं। इसमें 1 टीस्पून बिल्कुल इसमें नमक ऐड करें, देन इसमें ये ईस्ट एक्टिवेटेड ईस्ट इसमें ऐड कर दीजिए और इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और ये बहुत ही अच्छा डो बनेगा, सॉफ्ट एंड पफ़ी। फिर इसमें मिल्क ऐड करें, आप चाहे तो इसकी जगह ल्यूक वार्म वाटर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ल्यूक वार्म मिल्क ऐड किया है, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें ल्यूक वार्म मिल्क ऐड करना है, और आप इसकी जगह ल्यूक वार्म वाटर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट बनता है मिल्क ऐड करने से। थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड कर दिया, रिफाइन ऑयल, एंड मिल्क से अच्छे से सॉफ्ट डो बन जाता है। तो मैंने मिल्क से पूरे आटा को गूंद लिया है, यानी कि मैदा को, और इसमें ऊपर से आपको थोड़ा सा ऑयल लगा देना है ताकि ग्रीस हो जाए, और इसे टक इन करके इसे ढक कर रख देना है फॉर एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स। इसे मैंने माइक्रोवेव के अंदर रख दिया था, आप चाहे तो किसी भी गर्म जगह पे रखें तो ये राइज हो जाएगा 2 घंटे में, ये राइज हो जाएगा डो। तब तक मैं मैरिनेट कर लेती हूँ चिकन। तो लेमन जूस ऐड कर दीजिए, बोनलेस चिकन लिया मैंने, डेगी मिर्च पाउडर या फिर कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए 1 टीस्पून। फिर यहाँ पे मैंने पेपरिका पाउडर ऐड किया, इससे पहले मैंने गार्लिक पाउडर ऐड किया था, लहसुन का पाउडर। फिर ऑरिगैनो ऐड कर दीजिए, पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग, और ये है चिकन टिक्का मसाला, आप कोई भी ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, और गार्लिक पाउडर की जगह आप चाहे तो जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे मसालों को अच्छे से ऐड कर दिया। यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए, दही ऐड कर दीजिए 2 टीस्पून, और ये कितनी बहुत ही ज़बरदस्त चिकन टिक्का मसाला बन के रेडी हो जाती है। और नमक ऐड कर दीजिए अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और ये सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ तो इसलिए मैंने बटर ऐड किया। अगर आप चाहे तो सिर्फ चिकन टिक्का बना सकते हैं इसमें सरसों का तेल ऐड करके, तो वो भी काफ़ी टेस्टी बनता है। तो बट मैं पिज़्ज़ा ऐड कर रही, पिज़्ज़ा में बनाऊंगी और इसे ऐड करूंगी। तो यहाँ पे मैंने बटर ऐड किया है और ऑयल ऐड करके इसे मैरिनेट कर दिया था मैंने 15 मिनट्स के लिए, और ये रेडी हो गया था। फिर इसे मैंने फ्राई कर लिया थोड़े से ऑयल में, और सारे मसालों का उसी में जो भी था मैरिनेटेड वो सब इसी में मिक्स कर लिया, और ये पका लिया हमने 10 to 15 मिनट्स में। और ये देखिए अच्छे से बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स ऑफ चिकन मैंने बना लिए, ऐसे भी कट कर लीजिए अगर आप चाहे तो पिज़्ज़ा में ऐड करें, और ये बहुत ही टेस्टी बना था। आप इसे ऐसे भी बना के खा सकते हैं। तो सब कुछ रेडी हो चुका है डो, और ये पिज़्ज़ा सॉस है जो मैंने घर पे बनाई है, और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने कुछ वेजीज ऐड कर दिया, कट करके रखा है कैप्सिकम, कॉर्न्स एंड अनियंस, आप चाहे तो कोई भी वेजीज ले सकते हैं इसकी जगह। एंड यहाँ पर ये चिकन मैंने बना लिया है, सब कुछ रेडी करके रख दिया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मोज़रेला चीज़ लेना है। तो यहाँ पे डो देखिए अच्छे से राइज हो गया है, फॉर 2 to 3 आवर्स इसे रेस्ट करने रख दिया था मैंने, एंड ये पंच करने से इस तरीके से आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट डो बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड अच्छा डो बनता है। आप लोग इसी तरीके से घर पर बनाएं और बहुत अच्छा बनेगा। इसमें थोड़े से मैदा को डस्ट कर लीजिए और इसे फिर से अच्छे से नीट कर लीजिए। फिर इसे आपको ओटीजी को प्रीहीट करना है फॉर 10 मिनट्स एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब तक हमारा ओटीजी अच्छे से प्रीहीट हो रहा है, यहाँ पे आपको डो को कट कर लेना है। इसे डिवाइड कर लिया था मैंने इनटू 2, 3 एंड 3 पिज़्ज़ा बनाए थे मैंने लार्ज पिज़्ज़ास, तो 3 डो बड़े बड़े पिज़्ज़ा बन जाएंगे। अगर आप मीडियम साइज़ बनाना चाहें तो 6 बन जाएंगे। और इसे अच्छे से रोल कर देना है, इसमें थोड़े से मैदा स्प्रिंकल या डस्ट कर दीजिए, और ऊपर से इसे
अच्छे, आप चाहे तो उसे बहुत बड़े पिज़्ज़ा बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये मेरा बेकिंग ट्रे था, मैंने 36 लीटर्स OTG फिलिप्स OTG है और इसमें ये बहुत ही बड़ा पिज़्ज़ा बनता है। सबसे पहले आपको ग्रीस करना है अपने बेकिंग ट्रे को, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीस नहीं करेंगे तो आपका पिज़्ज़ा चिपक जाएगा और निकलेगा नहीं। तो ऑयल से मैंने ग्रीस कर दिया बेकिंग ट्रे को, देन इसमें डो को यानी कि जो मैंने रोल आउट किया उसे बेस को बिछा दिया है, देन इसके ऊपर बटर लगा दिया मैंने ब्रश करके, और इसमें देन एक फोक की मदद से इसमें प्रिक कर लीजिए ताकि आपका पिज़्ज़ा राइज ना हो और ये अच्छा टेस्टी बने। इस तरीके से यहाँ पे फोक से हमने इंसर्ट कर दिया, देन यहाँ पे आपको पिज़्ज़ा सॉस लेना है। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है, इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, बहुत ही टेस्टी है ये पिज़्ज़ा सॉस। और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, बहुत ही अच्छे से, कंजूसी नहीं करनी है, और बचा के भी रखना है ताकि और भी दो पिज़्ज़ा बनाएंगे बड़े बड़े। और उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर देना है, जो चिकन टिक्का मैंने बनाया था बहुत ही टेस्टी था ये चिकन टिक्का। उसके बाद आप कोई भी टॉपिंग्स ऐड कर सकते हैं, आप अनियंस, कैप्सिकम, कॉर्नस ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें बेल पेपर्स ऐड कर सकते हैं, ग्रीन वाला, येलो या फिर रेड बेल पेपर्स, देन आप इसमें ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, आपको जो पसंद है आप ऐड कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, व्हाटएवर यू प्रेफर। एंड देन लास्टली माय फेवरेट पार्ट, दिस इज चीज़, मोज़रेला चीज़ बहुत सारे इसमें ग्रेट करके ऐड करें, और ये तभी आपका चीज़ पिज़्ज़ा चीज़ी एंड टेस्टी बनता है। और उसके बाद लास्ट में इसमें ऐड करें सम चिली फ्लेक्स अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, एंड पिज़्ज़ा सीजनिंग एंड ऑरिगेनो, दीज थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसे बनाएंगे इसी तरीके से तो बहुत ही टेस्टी बनेगा, बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट जैसा। और इसके बाद यहाँ पे OTG अच्छे से प्रीहीट हो गया था हमारा, और इसे आपको प्रीहीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फॉर 10 मिनट्स एट 180 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रीहीट होने के बाद ही आपको कोई भी चीज़ आप बना सकते हैं, बेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे OTG में तो ऑलरेडी सेट है पिज़्ज़ा मोड, फॉर 15 मिनट्स टाइम दिया गया है और टेम्परेचर 200 डिग्री है। इसी सेम मेथड से आप अपने कोई भी OTG में बना सकते हैं, इसी टाइमिंग से और इसी टेम्परेचर में। और इसमें कन्वेक्शन मोड भी है, वो ऑन कर दिया था मैंने और ये स्टार्ट कर दिया, एंड ये 15 मिनट्स में बिल्कुल परफेक्ट पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाता है। और अगर 2-3 मिनट बचा है तो मैंने इसे ऊपर से भी अच्छे से ये देखिए ग्रिल कर लिया, तो ये परफेक्ट पिज़्ज़ा बनाएं, आप लोग भी ट्राई करें। और बैक इसका बेस भी आप चेक कर सकते हैं, घर पे बना हुआ है, बहुत ही अच्छा क्रिस्पी बनता है। और ये मैंने सेकेंड पिज़्ज़ा बनाया है, इसमें 4 मिनट बच गए थे, यानी कि ये 11 मिनट्स में पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया था, काफ़ी टेस्टी पिज़्ज़ा बना था ये, घर पे बिल्कुल बाहर से भी अच्छा पिज़्ज़ा बनाया है हमने। तो आप लोग इसी तरीके से अपने OTG में बना सकते हैं पिज़्ज़ा, बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही अमेजिंग पिज़्ज़ा, एंड यू कैन जस्ट लव शेयर दिस रेसिपी विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, दे विल जस्ट इन्जॉय एंड दे विल लव दिस पिज़्ज़ा, एंड इट्स अमेजिंग, आई एम जस्ट लविंग इट। मेरे पूरे फैमिली ने इसे बहुत पसंद किया, और इस तरीके से आप तो इसे पिज़्ज़ा कटर से आप अच्छी तरीके से कट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से कट हो जाता है पिज़्ज़ा कटर से, और परफेक्टली बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बन के रेडी हो गया था पिज़्ज़ास। एंड घर पे इतने लार्ज पिज़्ज़ा बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगा, आप अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, अपने फैमिलीज को सर्व कर सकते हैं, और ये काफ़ी टेस्टी बना था ये पिज़्ज़ा, बिल्कुल लग ही रहा नहीं था ये मैंने घर पे बनाए हैं, और बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप लोग प्लीज़ ट्राई करें। और अगर आपको अच्छी लगी तो आप हमें कॉमेंट्स में बता सकते हैं आपको कैसी लगी ये रेसिपी, आप हमें फीडबैक दें, और आपको कौन सी नेक्स्ट रेसिपी चाहिए। जी ओवन में बनाई है, बहुत अच्छी रेसिपी है ये, तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बड़े बड़े लार्ज पिज़्ज़ास बन के रेडी हो गए थे, घर पे ही मैंने बनाए हैं इतने बड़े बड़े लार्ज पिज़्ज़ास। आप हमें कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट कौन सी रेसिपी शेयर करनी है, आपको कौन सी रेसिपी मैं शेयर करूं आपके साथ। और ये पिज़्ज़ा परफेक्टली बेक हो गए थे, एंड इसी टाइमिंग बनाएंगे तो आपका पिज़्ज़ा बहुत ही टेस्टी बनेगा और यमी बनेगा, और ये काफ़ी चीज़ी है, एंड सब्ज़ियाँ भी इसमें पक गए हैं, बेस भी पक गया है, वाह इट्स जस्ट अमेजिंग। एंड नेक्स्ट मैंने ट्राई किया था नेक्स्ट डे, तो 1-2 बज गया था, मैंने इसे नेक्स्ट डे बनाया है, यहाँ पे ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और ये है वोल्केनो पिज़्ज़ा जो डोमिनोज का बहुत ही फेमस है। तो इस तरीके से आप कोई भी बेकिंग कप्स रख सकते हैं, आप चाहे तो इसके अंदर एल्युमिनियम फॉइल जो आता है कप छोटा सा वो रख सकते हैं, वो मेरे पास नहीं था तो मैंने कपकेक का वो मोल्ड रख दिया जो पेपर वाला होता है, और इसी तरीके से बेस को ऊपर से बिछा देना है इस मोल्ड के ऊपर, देन इसमें बटर लगा लेना है, और सबसे पहले ग्रीस करना ना भूले ऑयल से ताकि आपका पिज़्ज़ा चिपके ना। फिर इसके ऊपर बेस के ऊपर आपको बटर लगाने के बाद पिज़्ज़ा सॉस लगा देना है, चिकन लगा देना है जिस तरीके से मैंने पहले बनाया था, और सेंटर में जो खाली स्पेस होता है इसके ऊपर आपको मेयोनीज एंड
ये है टमेटो केचप, ये लगा देना है अगर आप वॉलकैनो पिज़्ज़ा बना रहे तो इस तरीके से आप लोग वॉलकैनो पिज़्ज़ा बना सकते हैं अपने घरों पे। बहुत ही अच्छे से बन गया था ये पिज़्ज़ा, बहुत ही टेस्टी था। और नाइफ से साइड्स में आप प्रिक कर सकते हैं ताकि साइड्स वाला पार्ट राइज ना हो, और ये बीच वाला पार्ट तो रेडी है और इसमें सॉस लगा हुआ था। और इसके बाद आप चाहे तो कोई भी टॉपिंग्स ऐड कर सकते हैं अपने मनपसंद। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम एंड कॉर्न ऐड कर दिया था। तो इसी तरीके से मैंने डोमिनो स्टाइल घर पे बना लिया वॉलकैनो पिज़्ज़ा, बहुत ही अमेजिंग था। मेरे फैमिलीज को बहुत पसंद आई एंड फैमिली को मेम्बर्स को बहुत पसंद आए। एंड इस तरीके से चीज़ ग्रेट कर लीजिए, बहुत सारा ऑरिगेनो ऐड कर दीजिए, चिली फ्लेक्स एंड पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग, ये बहुत ही अच्छा टेस्ट ला देता है। तो प्री हीट हो गया था ओवन को, मैंने पहले प्री हीट किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्री हीट करना। देन 15 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के बाद पिज़्ज़ा को बेक कर लिया 200 डिग्री सेंटीग्रेड में, और ये उससे पहले ही रेडी होके निकल गया था। बहुत ही चीज़ी था एंड आप देख सकते हैं सेंटर में इस तरीके से राइज हो चुका है। ये वॉलकैनो पिज़्ज़ा मैंने घर पे बनाया है, बिलीव ही नहीं हो रहा था। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं ये वॉलकैनो पिज़्ज़ा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कॉमेंट। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर रेसिपी। बाय बाय।